एक जंगल में हाथियों का एक झुंड रहता था। जो भी उनके पास मदद मांगने जाता वो उसकी मदद किया करते थे। इधर दूसरा एक जंगल था जिसमें दो खूनी बाघों ने आतंक मचा रखा था। दोनों बाघों ने जंगल के राजा शेर को भी धोखे से मार दिया था। इस जंगल के जानवर दोनों बाघ से बहुत परेशान थे। तभी उस जंगल से लोमड़ी गुजर रही थी। उसने देखा हिरन उदास खड़ा है। उसने हिरन से उदास होने की वजह पूछी। हिरन ने पूरी बात बताई। लोमड़ी ने हिरन को हाथियों के बारे में बताया। फिर वो सभी हाथियों के पास पहुँचे और हाथियों को अपनी परेशानी बताई। फिर सभी हाथी आंधी की तरह उनके जंगल में आए और उन दोनों बाघ को मारकर तूफान की तरह चले गए। इसके बाद जंगल में सभी जानवर शांति से रहने लगे।